हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि बिहार में लगभग 50,000 पदों पर प्रिंसिपल और हेडमास्टर की भर्ती ली जानी है और शिक्षा विभाग के द्वारा यह जिम्मेदारी जो है बिहार लोक सेवा आयोग को दिया है। यानी भर्ती से संबंधित जितनी भी जानकारी होंगी, जितनी भी चीज़ों को किया जाना है, वो सब चीज़ बिहार लोक सेवा आयोग करेगा। ये सिर्फ भर्ती करेगा, बाकी सारी जिम्मेदारियां बिहार शिक्षा विभाग को होगा, लेकिन रिक्रूटमेंट से संबंधित जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को दिया गया है। और बीपीएससी ने हाल ही में 6,421 पदों की वैकेंसी क्रिएट की थी, यानी जारी किया था, जिसके लिए नोटिफिकेशन आप लोग को मिल गया होगा। हमने ऑलरेडी उसका वीडियो बनाया था कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और कौन से व्यक्ति फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसका उम्र सीमा क्या होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या मांगता है, ये सारा चीज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप में से नहीं देखा है किसी ने तो वीडियो को जाके देख सकते हैं। दूसरी बात, एक जो उम्र सीमा को लेकर के जो डॉट चल रहा था कि कौन से व्यक्ति, किस उम्र सीमा तक के व्यक्ति फॉर्म भर सकता है इसको, क्योंकि इनिशियली जो दिया गया था उसमें तो इनिशियली की उम्र सीमा और अब जो जारी किया गया है नोटिफिकेशन उसमें अंतर है। तो आइए देखते हैं कि क्या उम्र सीमा होनी चाहिए आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो वीडियो को देखिए, 2 मिनट का वीडियो होगा आपको और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, हमारे चैनल से जुड़िए सो दैट कोई भी सूचना टीचर से रिलेटेड अगर आपको चाहिए वो आपको समय समय पर मिलते रहेगा। जो भी अपडेट आएगा वो सारा चीज़ अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सूचना तुरंत मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन। जैसा कि आपको मालूम है विज्ञापन संख्या 2/2022 था। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के अंतर्गत कंडिका 3/6 ठीक है, उम्र सीमा के संबंध में स्पष्ट करना है कि पंचायती राज, यहाँ पर देखिए आपको जो मेन रिलेवेंट पॉइंट है यहाँ पर है, पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत अगर कोई शिक्षक कार्यरत हैं, यहाँ देखिएगा, अगर कोई शिक्षक कार्यरत हैं, अगर पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत कोई शिक्षक कार्यरत है तो उसके लिए न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा का बंधन नहीं है। यानी आपको कोई बंधन नहीं है न्यूनतम का। हो सकता है कोई व्यक्ति 18 साल का हो। अब देखिए कैसे फायदा आपको पहुंच रहा है यहां पर। जैसा कि आपने देखा था कि जो उसे उम्र सीमा था कितना था, 31 ईयर दिया गया था, राइट। लेकिन अब इसमें कहा गया है कि पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा का बंधन नहीं है, परंतु यह भी है कि आपकी उम्र 1/8/2021 को अधिकतम उम्र 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी दिनांक 1/8/2021 को अधिकतम उम्र सीमा 60 वर्ष नहीं होनी चाहिए, लेकिन न्यूनतम उम्र सीमा की कोई बाधाएं नहीं रखी गई है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। देखिए वीडियो को गौर से देखिएगा, समझिए कि क्या बोला जा रहा है। पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय, फिर से एक बार बोल देता हूं क्योंकि ये सारे डॉट जो है ना कमेंट सेक्शन में आते हैं कि सर मेरी उम्र इतनी हो गई है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, वीडियो को पूरा देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत कार्यरत जो शिक्षक हैं उनके लिए न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा का बॉन्डेज, एक तरीके से कह सकते हैं अधिकतम सीमा के तो बंधन तो है, क्योंकि अधिकतम सीमा 60 साल और ऐसे भी 60 साल के बाद कोई व्यक्ति पढ़ाना नहीं चाहता है। अब आपके मन में एक जो संदेह उत्पन्न हो रहा होगा कि यदि हम सर पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक नहीं हैं तो ऐसे केस में हमारी उम्र क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक नहीं हैं तो ऐसे में आपकी जो उम्र सीमा होगी, यानी यदि आप CBSE में पढ़ा रहे हों या ICSE में पढ़ा रहे हों या BSE में पढ़ा रहे हैं, यानी आपकी बोर्ड जो है CBSE हो, स्कूल का जो बोर्ड है CBSE हो सकता है, ICSE हो सकता है या BSEB से हो सकता है, यदि आप इन तीनों में पढ़ा रहे हैं और इस कैटेगरी के शिक्षक हैं
तो आप यदि जनरल के हैं तो देखिए जनरल के लिए आपकी उम्र, जनरल मेल की हम बात कर रहे हैं, जनरल पुरुष पुरुष की बात कर रहे हैं, जनरल पुरुष यानी अनारक्षित पुरुष के लिए मिनिमम उम्र जो है 31 वर्ष और मैक्सिमम उम्र जो है 47 ईयर है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। उम्र सीमा काउंट करने का जो डेट है 1/8/2021 से है, 1/8/2021 से आपकी उम्र सीमा काउंट होगी, राइट। दूसरी चीज, जो पिछड़ा वर्ग यानी बीसी, अब ये तो जनरल मेल का हो गया आपको 31 ईयर और 47 ईयर, बीसी और ईबीसी ये होता है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला हैं तो आपको 50 वर्ष होना चाहिए उम्र, कितना 50 वर्ष मैक्सिमम उम्र, 50 वर्ष तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इवन जनरल कैटेगरी के यानी अनारक्षित महिला भी जो हैं वह भी 50 वर्ष की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ देखिए अनारक्षित महिला के लिए भी अधिकतम उम्र 50 साल है। अब बात कर देते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी के पुरुष हों या महिला हों उनके लिए मैक्सिमम एज जो है 52 ईयर दिया गया है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये लाइन आप मत देखिए, ये लाइन आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये लाइन एक्स्ट्रा लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दिया है परंतु दिनांक 1/8/2021 को अधिकतम उम्र सीमा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सेम लाइन ये वाला जो है ये कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। सो दिस इज ओनली अप्लीकेबल टू यू, इफ यू आर एलिजिबल टू फिलअप द फॉर्म इन दिस एज कैटेगरी देन विश यू ऑल द बेस्ट। यू कैन फिलअप एंड यू कैन फिलअप एट सून एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी आप एज सून एज पॉसिबल आप फॉर्म भर दीजिए सो दैट जब सर्वर डाउन होने लगता है बिहार बीपीएससी का तो फिर दिक्कत क्रिएट होती है। अभी भी अगर आपको इससे संबंधित या किसी भी चीज़ों से संबंधित कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लगा ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने का एक ही तरीका है, आपको मालूम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जल्दी जुड़ जाइए। धन्यवाद।